हेलो स्टार्ट करेंगे कर्वीलिनियर मोशन इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे फेब्रुवरी 23 में जो क्वेश्चन आया था उसको भी इसमें कवर करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक्स को देखेंगे कर्वीलियर के मोशन के बेसिक्स क्या है उसको समझेगी और उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलास है वो अपने को आ गए तो कर्विलीनियर मोशन ये बहुत ही ईजी चैप्टर है बहुत ही ईजी न्यूमरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से और अभी स्टार्ट करते हैं करवीलिन तो मोशन में अपने को तीन चीजों पे ध्यान देना है सबसे फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं एक्स से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को अभी इस डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जब भी डेरीवेटिव लेके इसका मतलब क्या इस डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जब भी डेरीवेटिव परफॉर्म करेंगे तो अपने को मिलेगा वेलोसिटी Displacement का derivative ले तो अपने को मिलेगा। अभी ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी का फिर से डेरिवेटिव लेके इस वेलोसिटी का फिर से डेरिवेटिव ले गए तो अपने को मिलेगा एक्सलरेशन अभी ये डिफ्रेंसिएशन हो गया ये डेरिवेटिव लेके हुआ डिस्प्लेसमेंट को डेरीवेट का डिस्प्लेसमेंट का डेरीवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा वेलोसिटी का डेरीवेटिव लेगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा अभी इसका रिवर्स भी पॉसिबल है रिवर्स मतलब कैसे इस एक्सेलरेशन का हम लोग डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन का हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन को तो अपने को वेलोसिटी मिलेगा और इस वेलोसिटी को वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो इस तरह से है इसका कनेक्शन इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है पोजिशन वैक्टर तो यहाँ पे लिखते हैं पोजिशन वेक्टर पोजिशन वैक्टर अपने को क्वेश्चन में गिवन हो सकता है और पोजिशन वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आर बार से डिनोट करते हैं और आर बार क्या होता है तो उसको यहाँ पे लिखते हैं आर बार इक्वल टू एक्स आई प्लस ये होता है आर बार और इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन रहता है ये जो कर्विलियर मोशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें आर बार गिवन रहता है हम लोग इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कभी कभी आर बार गिवन है तो ये क्वेश्चन कर्विलीनर मोशन का है तो ये है अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपने को क्या मिलेगा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपने को x मिलेगा और y मिलेगा तो अभी इस x और y को अपने को डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के साथ मतलब t के साथ जब भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा dx डिवाइड dx एक्स तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं टाइम के साथ डिफ्रेंशियट करेंगे तो डी एक्स बाय डी टी मिलता है और इसको डिफ्रेंशियट करेगा तो यहाँ पे मिलेगा अपने को डी वाई बाई डी टी मिलेगा अभी डी एक्स बाय डी टी क्या है ये जो x होता है ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट है और इस डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किया मतलब अपने को वेलोसिटी मिलता है v मिलता है तो ये वाला जो अपना कंपोनेंट है वो वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट का वी एक्स है और उसके बाद ये वाला जो डी वाई बाई डी टी है तो ये वाला जो है वो है वेलोसिटी वाई कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी है तो यहाँ पे पार्टीशन बनाते हैं तो ये है अपना वी एक्स और ये है अपना वी वाई तो ये अपना वी एक्स और वी वाई अभी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अपने को तो मैग्नीट्यूड होता है वी होता है कैपिटल वी और मैग्नीट्यूड फाइंड के लिए करने के लिए अंडर रूट वी एक्स आएगा तो यहां से अपने को मैग्नीट्यूड मिलेगा इधर से अपने को क्या मिल रहा है वी एक्स और वी वाई मिल रहा है तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है वी एक्स और वी वाई मिल रहा है तो इसको यहां पे लिखते हैं वी एक्स और वी वाई मिल रहा है अपने को इस इक्वेशन से अभी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पे लिखते हैं डिफ्रेंशियट डिफरेंशियट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी अभी फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के साथ तो क्या मिलेगा यहां पे यहां पे मिलेगा डी वी एक्स बाय डी टी और इधर मिलेगा डी वी वाई डी वी वाई बाई डी टी और अभी ये क्या है ये हम लोग ने डिफ्रेंशियट वेलोसिटी को डिफरेंशियट किया है वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलता है एक्सेलरेशन मिलता है तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशियट करते हैं तो अपने को एक्सेलरेशन मिलता है तो अपने को वो लिखना है तो ये है अपना एक्सेलरेशन तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू ये है अपना एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है और ये वाला जो है एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है ए वाई है तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट इससे अभी अपने को मैग्नेट्यूड निकालना है तो क्या लिखना पड़ता है तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका ए एक्स स्क्वा एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर इस तरह से अपने को मैग्नेट्यूड मिलता है तो ये है अपना एक्सेलरेशन तो इसके बाद तो इस कंप्लीट को जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ये हम लोग ने क्या इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं तो ये है पोजिशन वेक्टर और इसको वेलोसिटी मिला यहाँ से एक्सेलरेशन मिला तो ये है अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये कंप्लीट वाला इसके बाद यहाँ पे हम लोग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो अभी इसको ये कंप्लीट हुआ अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लिखना है अपने को तो एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट लिखने के लिए उसको डिनोट करते हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं ए एन है। मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन रो होता है अभी ये जो वी स्क्वायर है ये वी का मतलब क्या होता है यहाँ से अपने को जो ये वी मिला है ये होता है v तो इस v को अपने को यहाँ पे लेना है वी स्क्वायर अपी स्क्वायेर अपऑन रो अभी ये जो रो है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के दो फॉर्मूलाज है अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसमें हम लोग ने एन का मतलब लिखा है ए एन मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपऑन रो वैसे इस रो के लिए अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इसके साथ टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट का मतलब होता है ए टी तो यहाँ पे लिखेंगे एटी आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है वो अपने को लिखना है यह हुआ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए एन और एटी का मतलब हुआ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इसके बाद अभी एक्सेलरेशन कैसे मिलता है अपने को यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे मिल रहा है अपने को वेलोसिटी को हम लोग डेरिवेटिव ले गए इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले गए तो अपने को एक्सेलरेशन मिलता है तो यहाँ पे भी वही करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिलता है तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा तो इस तरह से यह है अपना नॉर्मल कंपोनेंट यह है टेंजेंशियल कंपोनेंट और इसमें अभी अगर स्पीड कांस्टेंट गिवन रहेगा क्वेश्चन में तो यहां पे लिखते हैं कंडीशन है यहाँ पे इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सलट ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ये जीरो आएगा क्यों जीरो आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है तो इसीलिए स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एटी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन हमेशा जीरो आएगा इसके बाद अभी ये जो रो है इसके फार्मूलास लिखना अपने को इस रो के लिए दो फार्मूलास अवेलेबल है तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हम लोग रो इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर रेस टू रेस टू थ्री बाय टू और नीचे आएगा मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो ये है रो का फर्स्ट फार्मूला फॉर्मूला क्या है अपना वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स होल स्क्वाई टू अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वाड में तो ये फॉर्मूला अपने को एक यूज करना है या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है रो का रो का दूसरा फार्मूला क्या है उसको यहाँ पे लिखता है और वो फार्मूला है वी एक्स वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू थ्री बै टू रेश टू थ्री वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू थ्री बै टू बाय मॉड ऑफ वी एक्स ए वाई माइनस ए एक्स वी वाई ये सेकेंड फॉर्मूला है अभी ये फॉर्मूला कब यूज करना है अपने को क्वेश्चन में टी गिवन है तो टी इज गिवन तो तभी अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है ये वाला जो फॉर्मूला है टी नॉट गिवन तो लिनियर मोशन के इतने फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है और इतने फॉर्मूलाज में से अपना पूरा चैप्टर का प्रिपरेशन हो जाएगा तो अभी इसके बाद फॉर्मुला को इरेज करते हैं और जो फेब्रुवरी ट्वेंटी थ्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन है वो फेब्रुवरी ट्वेंटी थ्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन है अ पॉइंट मूविंग अलोंग पाथ तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है वाईक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री

वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा इसलिए अपने को पहले ही समझ गया कि ये कर्विलियर मोशन का प्रॉब्लम है और कर्विलियर मोशन का बेसिक जो होता है सबसे फर्स्ट उसमें ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके बारे में लिखेंगे कर्विलीनियर मोशन में तीन कंपोनेंट होते हैं एक होता है डिस्प्लेसमेंट फिर वेलोसिटी फिर एक्सलरेशन तो सबसे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिखते हैं एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशियट करेंगे डेरिवेटिव लेंगे इसका तो अपने को मिलता है वेलोसिटी ये हुआ उसके बाद वेलोसिटी को डिफरेंशियट किया वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपने को मिलता है एक्सलरेशन और वही इसका रिवर्स प्रोसीजर होता है जैसे यहाँ पे एक्सलेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी मिलेगा और उसके बाद वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो ये बेसिक है अपने को चाहिए रहेगा आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके बाद अभी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके बारे में लिखते हैं क्वेश्चन में अपने को एक इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है उसको लिखेंगे फिर यहाँ पे लिखा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ एट मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट होता है तो यहाँ पे अपने को वेलोसिटी गिवन है तो उसको लिखेंगे सबसे फर्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है एट मीटर पर सेकंड तो वो लिखा हम लोग ने यहाँ पे उसके बाद एट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एक्स एंड वाई ऑफ़ वेलोसिटी मतलब अपने को वी एक्स और वी वाई फाइंड करना है वो लिखेंगे और यहाँ पे एक्स गिवन है वेन एक्स इक्वल टू थ्री मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल टू थ्री मीटर और उसके बाद पूछा है, अपने को फाइंड करने बोला है ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एक्सेलरेशन मतलब इस क्वेश्चन में अपने को क्या क्या फाइंड करना है उसके बारे में लिखते है सबसे फर्स्ट आर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मतलब अपने को यहाँ पे वी एक्स फाइंड करना है वी एक्स फाइंड करना है उसके साथ वी वाई भी फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है आर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और जब भी डिस्प्लेसमेंट थ्री मीटर होगा तो डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे उस टाइम पे ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रोज से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब होता है ए फाइंड करना है तो इस क्वेश्चन में अपने को इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है तो प्रोसीड करते हैं सोल्यूशन के साथ सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट अपने को पाथ का इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन ऑफ पाथ को हैज इट इज लिखते हैं यहां पे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है तो उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री है तो अभी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट right साइड में एक्स है इसलिए डिफरेंशियट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहां पे लिखते हैं डिफरेंशियट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अभी इसके बाद तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स आएगा तो यहाँ पे लिखता है डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसके बाद ये वन बाई थ्री तो कांस्टेंट है कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वन बाई थ्री इंटू अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेष टू एन वाला फॉर्मूला एन एक्स टू एन माइनस वन मतलब एक्स स्क् का डेरिवेटिव बनेगा टू एक्स बनेगा तो यहाँ पे लिखते हैं टू एक्स टू एक्स हुआ ये तो अभी इसके बाद और कुछ कर सकते हैं क्या इसके बाद और कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पे इस डी एक्स को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अभी तो यहाँ पे आएगा डी वाईक्वल टू टू बाई थ्री एक्स इसको लिख सकते हैं टू बाई थ्री एक्स और इस डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा dx अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग हम लोग को चाहिए अभी डिफरेंशियट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना होता है अभी ये प्रोसीजर करने के लिए लेकिन यहाँ पे टाइम का सेट टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करने जैसा कुछ है नहीं इसलिए डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट नहीं डिवाइड बोथ साइड बाय dt करता है तो यहाँ पे टाइम से डिफरेंशिएट हो जाएगा वो तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिवाइड बोथ साइड बाय डी टी तो दोनों साइड को डी टी से डिवाइड करेगी हम लोग फिर देखते क्या आता है तो यहां पर आएगा डी वाई बाय डी टी आएगा इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स और ये डी एक्स डीएक्स बाय डी टी आएगा तो इतना अपने को मिला तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या वो देखते हैं तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहां से सॉल्व करते हैं तो ये डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी क्या होता है तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स अभी इस एक्स को डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे इस एक्स को डिफरेंशियट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे मतलब डीएक्स बाई डी टी करेंगे तो अपने को वेलोसिटी मिलता है डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो अपने को मिलता है वेलोसिटी तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी को हम लोग रिप्लेस करते हैं वी एक्स से क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी मिलता है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये डी एक्स बाई डी टी के लिए डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा ये तो ये बनेगा वी एक्स बनेगा और इधर क्या है टू बाई थ्री एक्स है टू बाई थ्री एक्स और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी इसको हम लोग कैसे रिप्लेस किया डी एक्स बाई डी टी को तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है तो ये vy से रिप्लेस होगा तो ये क्या बना वी वाईल टू टू बाई थ्री एक्स वी एक्स अभी इसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वेश्चन में अपने को x x गिवन है थ्री तो इस x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा वी इक्वल टू टू कितना है थ्री है तो यहाँ पे थ्री पुट करेंगे इंटू थ्री वी एक्स तो ये थ्री ये थ्री कैंसिल होता है तो यहाँ पे क्या बन रहा है वी इक्वल टू टू वी एक्स तो यहाँ पे यह बन रहा है तो इसको अभी बॉक्स करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने को यूज करना है उसके बाद अभी अपने को क्या मिला यहाँ पे वी वाई मिला है और वी एक्स, एक इक्वेशन मिला है तो अपने को भी वेलोसिटी फाइंड करना है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट प्लस वी वाई स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ये हम लोग ने बेसिक्स में देखा था और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में गिवन है एट मीटर पर सेकंड तो इस वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो उसको लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी कितना है एट मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे लिखेंगे एट लिखेंगे यहाँ पे आएगा एट इक्वल टू अंडर रूट अभी वी एक्स स्क्सर को अपने को पता नहीं है तो इसलिए लिखेंगे अभी Vy square है Vy की जगह पे यहाँ पे वीवाई की जगह पे हम लोग टू वी एक्स लिख सकते हैं तो यहाँ पे वीवाई की जगह पे वीवाईक्वल टू टू वी एक्स है तो इस वी वाई की जगह पे टू वी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू वी एक्स और उसका स्क्वायर तो इसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको फिर अपना आंसर आएगा तो लेफ्ट साइड में है एट इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर अभी टू का स्क्वायर कितना होता है टू का स्क्वायर होता है फोर प्लस फोर वी एक्स स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे एट इक्वल टू अंडर रूट वन वी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वी एक्स स्क्वायर वो कितना आता है फाइव वी एक्स स्क्वायर आता है तो आएगा फाइव वी एक्स स्क्वायर आएगा ये उसके बाद उसके बाद अभी हम लोग ये रूट को हटा देते हैं तो एट इक्वल टू अंडर रूट फाइव आएगा और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल होगा तो ये बनेगा सिर्फ वी एक्स बचेगा तो यहाँ से अपने को वी एक्स का आंसर मिलेगा तो वी एक्स क्या होगा एट डिवाइड बाई रूट फाइव एट डिवाइड बाई रूट फाइव अगर हम लोग कैल्सी में पुट करते हैं तो उसके बाद अपने को वी एक्स का आंसर मिलेगा तो इसको कैल्सी में पुट करेंगे एट डिवाइड बाई रूट फाइव कैल्सी में पुट करने के बाद कैल्सी में पुट करने के बाद अपने को जो वी एक्स का आंसर मिलेगा वो मिलेगा मीटर पर तो ये है वी एक्स का आंसर ये है Vx का आंसर अभी अपने को वी वाई का आंसर फाइंड करना है तो वी इक्वल टू टू वी एक्स है तो इस रिलेशन को फिर से यहाँ पे लिखते हैं है Vy टू टाइम्स ऑफ वी एक्स तो वीवाई कितना आएगा? इक्वल टू टाइम्स ऑफ़ यह कितना है? तो होता है टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव होता है सेवन प्लस ये सेवन तो so, ये होता है सेवन पॉइंट वन फोर मीटर पर सेकेंड तो यहां से अपने को वी एक्स और वी वाई मिला तो अपने को क्वेश्चन में वी एक्स और वीवाई फाइंड करना था वो हम लोग ने फाइंड किया वी एक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो अभी इसको इरेज करते हैं फिर फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक्सेलरेशन अभी हम लोग सबसे फर्स्ट रो फाइंड करेंगे रो क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और इस पूरे क्वेश्चन में अपने को टाइम की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अपने को ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जो दो फार्मूलास थे जिसमें टाइम नॉट गिवन वाला फार्मूला चूज करना है तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे फर्स्ट तो वो होता है रो इक्वल टू वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स होता है वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स एक सेकेंड वन प्लस बाई डी एक्स का स्क्वायर होता है फिर इस इसका रेस्ट टू थ्री बाई टू होता है और डिवाइड बाय मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो ये फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूला में से अपने को अभी कौन से कौन सी वैल्यूज प्रेजेंट है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग यहाँ से ले सकते हैं फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो अपने को इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फिर अपने को ये वैल्यू मिलेगी सबसे फर्स्ट डीवाई बाई डी एक्स के लिए लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स अपना ये वाला तो इसको यहाँ पे लिखते है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना ये टू बाई थ्री टू बाय थ्री एक्स ये इतना है और एक्स अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है थ्री मीटर है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री टू बाई थ्री इंटू थ्री तो ये थ्री थ्री कैंसिल होता है तो डीवाई बाई डी एक्स क्या बना अपना डी वाई बाय डी एक्स हुआ टू हुआ तो डीवाई बाई डी एक्स अपने को टू मिला अभी इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स अपने को टू मिला इसके बाद अपने को चाहिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क् तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट है तो अभी इसको फिर से डिफरेंशियट करते हैं इसको डिफ्रेंशियट करेंगे तो अपने को मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू बाई थ्री तो कॉन्स्टेंट है तो वो हैज इट इज आएगा टू बाई थ्री और एक्स का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स का डेरिवेटिव वन ही होता है तो इसका जो आंसर है ये इतना ही है तो डी स्क्सर का आंसर टू बाई थ्री तो ये इसका आंसर है तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे कहा पे लिखेंगे तो अभी हम, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रो इक्वल टू सबसे फर्स्ट न्यूमरेटर में वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का आंसर अपने को कितना मिला टू मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर इसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर हुआ फिर रेस टू 3 बाई टू भी है तो रेस टू 3 बाई टू करेंगे डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका आंसर कितना मिला अपने को 2 बाई थ्री मिला 2 बाई थ्री इसका आंसर मिलेगा तो इस कंप्लीट को अपने को इसमें पुट करना है कैलकुलेटर में पुट करेंगे कैलकुलेटर में पुट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा अपना रो का आंसर मिलेगा अपने को और वो आंसर होगा सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेवन मीटर आंसर होगा तो इस रो का जो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आंसर मिलेगा अपने को सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेवन मीटर तो ये है अपना रो का आंसर इसके बाद अभी अपने को रो मिला रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला मतलब वी एक्स वी वाई रो मिला अपने को अभी एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट वाला यूज करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले यहाँ पे एक पार्टीशन बनाते हैं ये पार्टीशन तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी अपॉन रो वी स्क्वायर अपॉन रो रो का आंसर अपने पास ऑलरेडी है v जो है वेलोसिटी अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एट स्क्वायर एट स्क्वायर आएगा यहाँ पे v है अपना एट फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन रो रो का आंसर कितना है सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेवन सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेवन तो यहाँ से अपने को ए एन का आंसर मिलेगा ए एन का आंसर मिलेगा अपने को यहाँ से तो इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं कैलकुलेटर में पुट करने के बाद नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन इसका जो अपने को आंसर मिलेगा वो मिलेगा थ्री पॉइंट एट वन कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन का आंसर मिलेगा थ्री पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा एक्सरेशन का यूनिट तो ये ए एन का आंसर है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन का इसके बाद टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन ए टी इसका आंसर अपने को कैलकुलेट करना है इसका आंसर बहुत इजी है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है विद अ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड गिवन है क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड आया मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन जीरो होता है ये हम लोग ने आ, ये जो इंट्रोडक्शन में देखा था तो टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा जीरो तो फाइनल अभी एक्सरेशन फाइंड करना है जिसका आंसर यही आएगा तो एक्सरेशन का फॉर्मूला लिखता है यहाँ पे एक्सरेशन इक्वल टू जिसमें ए एन स्क्वायर करेंगे हम लोग तो थ्री पॉइंट एट वन स्क्वायर आएगा प्लस ए टी मतलब जीरो स्क्वायर तो फाइनल जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो आंसर होगा यही वाला आंसर होगा थ्री पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये है अपना फाइनल एक्सेलरेशन का आंसर तो इतना अपने को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में करविलीन मोशन में और ये जो क्वेश्चन है वो सिक्स मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था तो इतना सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है ये बस अपने को ये बेसिक क्लियर होना चाहिए तो फिर हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच